हेलो फ्रेंड्स, हम जो है इस वीडियो में आप लोगों को नीट 2023 में का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। और ये इसमें जो है जो नीट 2020 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 3 मई को, उसमें जो है 360 नंबर की बायोलॉजी आती है। तो अब तक तो आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा बायोलॉजी से के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के बाद हमें जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो यह जो है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा और ये पता चलेगा कि आपके जो है कितने प्रिपरेशन है। तो इसको एक टेस्ट की तरह लें और इसको जो है सॉल्व करें हर क्वेश्चंस को, और साथ में पेन और पेपर लेके बैठे और उसमें ये देखें कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। वैसे तो अगर 40 क्वेश्चंस हैं तो 40 में आपके 38-39 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो आप मानिए कि आपका प्रिपरेशन अच्छा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द टर्म, यह जो है यह क्वेश्चन जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड से है। जो पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, उससे है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द टर्म सिस्टमैटिक्स रिफर्स टू। सिस्टमैटिक्स किसको कहते हैं? पहला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दूसरा है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तीसरा है सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, चौथा है नन ऑफ द एबव। तो सिस्टमैटिक जो होता है वो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू है सिस्टम ऑफ नेचुरी वाज रिटन बाय। सिस्टम ऑफ नेचुरी जो है एक बुक है और यह जो है किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन वन है अर्नेस्ट मेयर, दूसरा है कैरोलस लिनेस, तीसरा आर एच व्हिटेकर, चौथा ऑप्शन है डब्ल्यू एम स्टैनले। तो सिस्टम ऑफ नेचुरी बुक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन टू कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडिया ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का जो आइडिया होता है, जो आइडिया है वो सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया? तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है का रूल जो दिया गया वो दूसरे साइंटिस्ट ने दिया था, और बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का जो आइडिया था वो किसी और साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, पहला है जॉन रे, दूसरा है हुकर, तीसरा है गैस्पार्ड बॉहिन, चौथा है बेंथम। तो यहाँ पे आप बताइए कौन सा सही होगा। ये तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर तो बहुत ही फेमस है, इसके बारे में आपको पता होगा कि इसका रूल किसने दिया था, लिनियस ने दिया था। और इसके लिए आइडिया जो है सबसे पहले बॉहिन ने दिया था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज। पहला है मॉर्फोलॉजी, दूसरा एनाटॉमी, तीसरा है टैक्सोनॉमी, चौथा है सिस्टमैटिक। साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी जो होता है, मॉर्फोलॉजी वो होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो है मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स को हम पढ़ते हैं, उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी में हम जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, इंटरनल ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा जो है टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी जो होता है एक लिनियर अरेंजमेंट होता है। और चौथा जो है सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक में जो है डाइवर्सिटी, इस अर्थ पे लिविंग बींग की कितनी डाइवर्सिटी है और उसका जो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, उसके बारे में जो है हम सिस्टमैटिक में पढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, यहाँ पे है आई सी बी एन स्टैंड फॉर।
तो ICBN जो है किस लिए स्टैंड है, पहला ऑप्शन है इंडियन कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, तो यह तो हो ही नहीं सकता, ये सब पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो ये तो सीधे गलत हो गया। दूसरा है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नामक्लेचर, तीसरा है इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ बायोलॉजिकल नेम्स, चौथा है इंडियन कोड ऑफ बोटेनिकल नामक्लेचर, तो ये भी यहाँ गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स जो जितने भी बोटेनिकल जितने भी प्लांट्स हैं ना, तो उनका जो है हर एरिया में हर कंट्री में या फिर हर स्टेट में कुछ लोकल नाम होते हैं, और जो है जब एक ही प्लांट का उनको डिफरेंट डिफरेंट नामों से हम पुकारेंगे, तो हम जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को दूर तक स्प्रेड नहीं कर पाएंगे, या फिर हमें समझने में दिक्कत होती है। तो इसलिए फ्रेंड्स जो है ना कि एक इंटरनेशनल जो है कोड बनाया गया बोटेनिकल नामक्लेचर प्लांट्स के लिए, और इसी तरह से जो है एनिमल्स के लिए भी है, उसको जूलॉजिकल नामक्लेचर भी कहते हैं। इसलिए प्लांट्स के लिए जो है एक कोड बनाया गया, जो कि हर स्टेट हर कंट्री में एक ही नाम यूज किया जाता है, जिससे कि कहीं भी हम जाएं तो उस प्लांट को समझ पाए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोसिस्टमेटिक्स एम्स एट, जो बायोसिस्टमेटिक्स होती है वो उसका एम क्या होता है। पहला है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड इस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटैलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर फ्रॉम ऑल फील्ड ऑफ स्टडीज। जो बायोसिस्टमेटिक्स होता है उसका एम क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर evolutionary history and establishing their phylogeny on the totality of various parameter from all the field of study। बायोसिस्टमेटिक का ये एम होता है, या फिर दूसरा है आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, तीसरा है द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, चौथा है डेलिमिटिंग वेरियस टैक्सा ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इस्टेब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप। तो बायोसिस्टमेटिक्स में जो होता है ना, ऑर्गेनिज्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पढ़ते हैं, और फाइलोजेनी वेरियस पैरामीटर के आधार पे जो है हम उसको कैटेगराइज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या है। तो अरिस्टोटल को जो है हम फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, ये तो सबको पता होगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन है सिस्टमा नेचुरी, दूसरा है हिस्टोरिया नेचुरेली, तीसरा है हिस्टोरिया एनिमेलियम, चौथा है फिलोसफी जूलॉजिकी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, हिस्टोरिया एनिमेलियम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बायनोमियल नामक्लेचर इज, बायनोमियल नामक्लेचर क्या है। बायनोमियल नामक्लेचर क्या है, पहला ऑप्शन है टू नेम्स लोकल एंड स्पेसिफिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दूसरा है टू वर्ड्स इन द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तीसरा है टू नेम्स रिलेटेड वन इज टू फैमिली एंड क्लास, चौथा है टू फेजेज इन लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म।
तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? वो है किसी भी प्लांट या एनिमल का नाम जो है, जो बोटेनिकल या जूलॉजिकल या साइंटिफिक नेम है, वो जो है दो वर्ड से मिल के बना होता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा, टू वर्ड्स इन द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट साइंटिफिक नेम इज, जो करेक्ट साइंटिफिक नेम है वो कौन सा है? पहला है ब्रेसिका प्यूडिका, तो यह जो है गलत हो गया। यह जो है मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस होता है। दूसरा है मैंगीफेरा इंडिका। तीसरा है सोलेनम मेलेंगीना। चौथा है मिमोसा इंडिका। तो यहाँ पे जो है ये मिमोसा इंडिका, मिमोसा प्यूडिका नाम होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तीसरा है सोलेनम ट्यूबेरोसम, जो कि पोटैटो का नाम होता है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे ऑप्शन टू करेक्ट है, मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, ये तो हो गया है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन ए साइंटिफिक नेम द नेम ऑफ ऑथर इज प्रिंटेड इन। साइंटिफिक नेम में जो ऑथर का नेम होता है उसको कैसे प्रिंट किया जाता है? पहला है इटैलिक्स, दूसरा है बोल्ड, तीसरा है रोमन, चौथा है इनिशियल कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा, इनिशियल कैपिटल लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, द ऑर्डर एंड फैमिली ऑफ व्हीट आर। तो कुछ जो क्रॉप्स प्लांट हैं उनके आर्डर और उनकी फैमिली याद करना ज़रूरी है। जो हमारे सिलेबस में है उतना तो हमें याद करना ही होगा। तो यहाँ पे पहला है पोएल्स एंड पोएसी। पोएल्स जो है आर्डर है, पोएसी फैमिली है। दूसरा है स्पिंडल्स एंड एनार्किडेसी। तीसरा है रेनल्स एंड रेनन्कुलेसी। चौथा है स्पिंडल्स एंड पोएसी। तो यहाँ पे ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा, वीट का जो आर्डर होता है वो पोएल्स होता है और फैमिली जो है वो पोएसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट टैडोनेम्स। पहला है जेनेरिक नेम डिफरेंट देन स्पेसिफिक नेम। दूसरा है जेनेरिक नेम रिपीटेड एज स्पेसिफिक नेम। तीसरा है जेनेरिक नेम एब्सेंट। यहाँ पे ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉलम। कॉलम वन है और कॉलम टू है। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है? तुलसी का क्या है, डॉग का और मैंगो का। मैंगो का हमें पता है मैंगीफेरा इंडिका। हाउस फ्लाई का भी पता है मस्का डोमेस्टिका। और डॉग का भी हमें पता है कैनिस। और तुलसी का हो गया ओसिमम सैंक्टम। ठीक है, तो इसको जब हम मैच करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? पहला है लोअर द टेक्सॉन मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टेक्सॉन शेयर। दूसरा है ऑर्डर इन द असेंबल ऑर्डर इन इज द असेंबल ऑफ जेनेरा विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। दूसरा है डॉग कैट एंड डॉग आर द इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली फेलिडेसी।
तो यहाँ पे जो है ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ऑर्डर इज द असेंबलेज ऑफ जेनेरा विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, और तीसरा है कैट एंड डॉग आर इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली फेलिडेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच विथ इट्स पर्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। पहला है टाइगर, इसकी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी टिग्रिस है जो कि स्पीसीज है। कटलफिश मोलस्का, ये होगा ही नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा है ह्यूमन प्राइमेट, से भी गलत हो जाएगा। हाउस फ्लाई मस्का, मस्का डोमेस्टिका इसका जो है जीनस है और स्पीसीज, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा, टाइगर का टिग्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो है साइंटिफिक नेम फेवर मल्टीपल नेमिंग फॉर द सेम काइंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। दूसरा है साइंटिफिक नेम्स आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तीसरा है साइंटिफिक नेम्स आर ऑफन डिस्क्रिप्टिव एंड टेल अस सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। चौथा है साइंटिफिक नेम्स इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज। तो यहाँ पे जो है पहला ये करेक्ट हो जाएगा, साइंटिफिक नेम्स फेवर मल्टीपल नेमिंग फॉर द सेम काइंड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट को हमें कंसीडर करना है और देखना है कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है ह्यूमन साइंटिफिक नेम इज होमो सेपियंस। दूसरा है टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इज टेक्सॉन। तीसरा है ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिप्रेजेंट्स जीनस। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रोमोजोम नंबर इज। वह क्लासिफिकेशन जो कि क्रोमोजोम के नंबर पे बेस्ड होता है उसको क्या कहते हैं। पहला है साइटोटेक्सोनॉमी, दूसरा है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, तीसरा है कीमोटेक्सोनॉमी और चौथा है बायोकेमिस्ट्री। तो साइटोटेक्सोनॉमी जो होता है उसमें हम क्रोमोजोम के नंबर्स और उसके कैरेक्टर्स की भिन्नता के आधार पे या सिमिलरिटी के आधार पे हम साइटोटेक्सोनॉमी क्रिएट करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जो होता है इसमें नंबर ऑफ सेम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखते हैं। कीमोटेक्सोनॉमी में जो है हम केमिकल्स के प्रेजेंस या एब्सेंस को देखते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा, साइटोटेक्सोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमें चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है अल्फा टेक्सोनॉमी कंसीडर्स ओनली मॉर्फोलॉजी। दूसरा है बीटा टेक्सोनॉमी कंसीडर्स जेनेटिक एनाटॉमी एंड फाइलोजेनी। तो यहाँ पे दिया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है और ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हेक्सले इज फादर ऑफ। हेक्सले को किसका फादर कहा जाता है।
पहला है क्लासिकल टैक्सोनॉमी, दूसरा है आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी, तीसरा है नियो टैक्सोनॉमी, चौथा है एडेंसोनियन टैक्सोनॉमी। तो पहला जो है क्लासिकल टैक्सोनॉमी, यह जो है ओल्ड टैक्सोनॉमी है, इसमें जो है नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स को पढ़ते हैं। दूसरा है आर्टिफिशियल, तीसरा है नियो टैक्सोनॉमी। तो ओल्ड टैक्सोनॉमी के फेल होने पे हैक्सले ने नियो टैक्सोनॉमी के बारे में बताया था, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन थर्ड ये करेक्ट हो जाएगा, नियो टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी इज कंसर्न्ड विथ, टैक्सोनॉमी जो है वो किससे कंसर्न है। पहला है कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन नामन क्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तीसरा है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, और चौथा है ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा। टैक्सोनॉमी जो होता है उसमें आइडेंटिफिकेशन नामन क्लेचर और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्लासिकल टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन, जो क्लासिकल टैक्सोनॉमी है इसको हम ओल्ड टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, और यह जो है किस पे बेस्ड है। पहला जो है मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स, दूसरा है हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, तीसरा है सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी ऑफ बिहेवियर, और चौथा है फाइलोजेनी। तो क्लासिकल टैक्सोनॉमी को ओल्ड टैक्सोनॉमी कहते हैं या मॉर्फोलॉजिकल टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, और यह जो है बेस्ड होता है मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स पे। दूसरा हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, तीसरा है सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑफ बिहेवियर, चौथा फाइलोजेनी। यहाँ पे जो है ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा, मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, विच ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द डिटरमिनेशन ऑफ जेनेटिक रिलेशनशिप। टैक्सोनॉमी का कौन सा ब्रांच जो है उसमें हम जेनेटिक रिलेशनशिप का डिटरमिनेशन करते हैं। पहला है एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी, दूसरा है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, तीसरा है साइटोटैक्सोनॉमी, चौथा है बायोकेमिकल टैक्सोनॉमी। तो जेनेटिक रिलेशनशिप के आधार पे जो टैक्सोनॉमी हम बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है ओल्ड टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन नेचुरल सिमिलरिटीज एमॉन्ग्स ऑर्गेनिजम्स, दूसरा है साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन क्रोमोजोमल स्टडीज, तीसरा है कैरियोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द केमिकल इन सेल एंड टिश्यू। तो यहाँ पे जो है पहले के दो जो है ये करेक्ट है। ओल्ड टैक्सोनॉमी हमारी में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं, दूसरा है साइटोटैक्सोनॉमी में क्रोमोजोमल स्टडीज करते हैं, और कैरियोटैक्सोनॉमी जो में केमिकल्स को नहीं पढ़ते, ये जो है न्यूक्लियस के बारे में होता है, न्यूक्लियस के स्टडी के आधार पे, इसलिए ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कॉलम। पहला है क्लासिकल टैक्सोनॉमी, क्लासिकल टैक्सोनॉमी को ओल्ड सिस्टमेटिक्स भी कहते हैं। प्रैक्टिकल टैक्सोनॉमी यूटिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, और नेचुरल टैक्सोनॉमी में नेचुरल सिमिलरिटीज एमोंग ऑर्गेनिज्म, कीमो टैक्सोनॉमी में प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ केमिकल्स इन द सेल और टिश्यू। तो जब इसको हम मैच करेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम वन कॉलम टू में, कॉलम वन में है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के फादर कौन है। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, एरिस्टोटल। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एरिस्टोटल। फादर ऑफ नियो टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ
नियो टेक्सोनॉमी जो है उसको जूलियन हैक्सले को कहते हैं, और डार्विन आप 20th सेंचुरी जो है वो किसको कहते हैं, अर्नस्ट मेयर को। तो इसलिए जब इसको हम मैच करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन 2 ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो कहते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, टेक्सोनॉमिक हायरार्की जो है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, पहला है लिनियस, दूसरा है एरिस्टोटल, तीसरा है बेंथामैन होकर, चौथा है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे पहला जो है ये करेक्ट हो जाएगा, टेक्सोनॉमिक हायरार्की इंट्रोड्यूस किया गया था लिनियस के द्वारा। नेक्स्ट है 28, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैविंग सर्टेन कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ अदर ग्रुप इज, पहला है टेक्सॉन, दूसरा है किंगडम, तीसरा है स्पीसीज, चौथा है फैमिली। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट है, टेक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी एमंग फॉलोइंग इज, फॉलोइंग में कौन सा जो है एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है। तो यहाँ पे जो है स्पीसीज है मालवेसी, ये तो एक फैमिली हो गया, तीसरा जो है थैलमी फ्लोरी ये भी फैमिली हो गया, डाइकोटिलीडन ये जो है सीड के टाइप हो गए। तो यहाँ पे जो है पहला जो है यह एक टेक्सोनॉमिक ग्रुप है, पहला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन इंटरमीडिएट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की, इंटरमीडिएट कैटेगरी में कौन सा आएगा, पहला है किंगडम, दूसरा स्पीसीज, तीसरा सब ऑर्डर, चौथा है जीनस। तो यह जो है जब हम टेक्सोन में देखते हैं किंगडम, सब किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो सब ऑर्डर जो है यह इंटरमीडिएट पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्की लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, पहला है क्लास, दूसरा है ऑर्डर, तीसरा है डिवीजन, चौथा है फैमिली। तो फाइलम के लेवल पे प्लांट्स के अगर हम क्लासिफिकेशन में जाएं तो डिवीजन जो है फाइलम के लेवल का टैक्सॉन है। नेक्स्ट है 32, जीनस रिप्रेजेंट्स, जीनस जो है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पहला है एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, दूसरा है ए कलेक्शन ऑफ एनिमल, तीसरा है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल, चौथा है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन 3 ये करेक्ट हो जाएगा, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टू डिफरेंट जेनेरा आर क्लासिफाइड इन द सेम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कॉल्ड फैमिली, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दियर क्लासिफिकेशन, पहला है द सेम क्लास बट डिफरेंट स्पीसीज, दूसरा है ए डिफरेंट क्लास एंड डिफरेंट ऑर्डर, तीसरा है द सेम फाइलम बट डिफरेंट क्लास, चौथा है ए डिफरेंट किंगडम एंड डिफरेंट फाइलम। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन 1 ये करेक्ट हो जाएगा, द सेम क्लास बट डिफरेंट स्पीसीज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 34, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टैक्सॉन आर, टैक्सॉन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला है इट इज़ द टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक, दूसरा है इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय ICBN, तीसरा है लिनियस इज द फाउंडर ऑफ टैक्सॉन। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें मैच करना है कौन सा फैमिली है, कौन सा किंगडम, ऑर्डर, स्पीसीज और जीनस को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फैमिली सोलेनेसी जो है, सोलेनेसी वो एक फैमिली है, सोलेनेसी जो है एक फैमिली है, और जो है कि किंगडम प्लांटी जो है एक किंगडम है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हम पढ़ते हैं, प्लांटी, एनिमेलिया और मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, फंगाई, ये जो है किंगडम हो जाते हैं। ऑर्डर जो है
पॉलीमोनिडल्स, एल्स जिसमें लगा रहता है वो ऑर्डर हो जाता है। और स्पीसीज ये सोलेनम ट्यूबेरोसम की स्पीसीज है और जीनस हो गया सोलेनम। ठीक है, तो इस तरह से जब हम मैच करेंगे तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन टू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो द हेरार्की अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स डिसेंडिंग ऑफ प्लांट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। तो यहाँ पे जो है हमें पता है कि सबसे पहले प्लांट का हम देखते हैं तो किंगडम प्लांटी हो गया, उसके बाद डिवीजन हो गया। डिवीजन में बहुत सारे क्लासेस होते हैं, क्लास को आर्डर में डिवाइड करते हैं और आर्डर को फैमिली में, फैमिली में बहुत सारे जीनस होते हैं और बहुत सारे जीनस में बहुत सारी स्पीसीज होती है। तो इस तरह से जो हम जानते हैं, अगर हम उस चीज़ को अपने कॉन्सेप्ट को मैच करेंगे तो यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फोर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 37 है, दो क्वेश्चन और हैं। ठीक है, तो चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स से रिलेटेड जो है स्टेटमेंट कौन सा है, पहला है हर्बेरियम स्पेशलाइज्ड कलेक्शन ऑफ एनिमल पिक्चर्स, दूसरा नहीं, हर्बेरियम जो होता है प्लांट्स के पार्ट्स को हम कलेक्ट करते हैं, दूसरा है, तो इसलिए ये जो है गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है जूलॉजिकल पार्क्स जो होते हैं वो एनिमल इन नेचुरल एनवायरनमेंट। जूलॉजिकल पार्क उसी को कहते हैं जहाँ पे कि एनिमल जो है नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं। तीसरा है मोनोग्राफ मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, तो ये दोनों जो है करेक्ट है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन फोर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन। इसमें से कौन सा जो है बोटेनिकल गार्डन के करेक्ट फंक्शन को डिपिक्ट करता है, पहला है वन कैन ऑब्जर्व ट्रॉपिकल प्लांट्स देयर, दूसरा है दे अलाउ एक्सी टू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, तीसरा है दे प्रोवाइड द नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पे जो है कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल स्टेटमेंट टू करेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, मैचिंग का है, मैच द कॉलम वन विथ कॉलम टू। तो यहाँ पे लार्जेस्ट हार्बेरियम जो है वो कौन सा है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन, यह जो है लार्जेस्ट हर्बेरियम कहाँ पे है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू में। लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन ऑफ एशिया कौन सा है, यह जो है इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर में है। तीसरा है फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन कौन सा है, तो पीसा बोटेनिकल गार्डन इटली का, ये फर्स्ट बोटेनिकल गार्डन है, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 40, फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग जो है 40 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, तो ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो टैक्सोनॉमिक की इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। तो यह जो है किसके प्रिपरेशन में यूज होता है, पहला है मोनोग्राफ, दूसरा है फ्लोरा, तीसरा है बोथ वन एंड टू, चौथा है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन थर्ड करेक्ट है, मोनोग्राफ एंड फ्लोरा। तो फ्रेंड्स ये जो थे हमारे 40 क्वेश्चन थे, इसमें आप देख ज़रूर से चेक करें कि आपने इसमें कितने क्वेश्चंस को सही किया है और उसे हमें कमेंट करें। और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।